हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि यदि प्रेगनेंसी किट में एक लाइन हल्की गुलाबी और एक लाइन गहरी गुलाबी आती है तो उस महिला को अनवांटेड किट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। दोस्तों, यह जानने से पहले हम यह जानते हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी किट के जो रिजल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बेसिकली प्रेगनेंसी किट के जो रिजल्ट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिजल्ट होती है, एक गहरी गुलाबी लाइन आती है जिसे हम निगेटिव समझते हैं। दूसरी लाइन होती है दोस्तों, एक गहरी गुलाबी होती है और एक गुलाबी होती है, इससे हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तीसरी चीज़ें कि दोनों गहरी गुलाबी होती है, उससे हम कन्फर्म हो जाते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो दोस्तों, इस कंडीशन में महिला कंफ्यूज रहती है, वो अनवांटेड किट ले या ना ले। इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली बात आप यूँ समझिए, यदि कोई महिला प्रेगनेंसी टेस्ट जब करती है और उसके टेस्ट में एक लाइन गहरी गुलाबी और एक लाइन हल्की गुलाबी आती है तो यह इस प्रकार से होता है क्योंकि महिला के जो यूरिन होते हैं उस यूरिन में HCG हार्मोन होते हैं वो कम होते हैं। अब HCG जो हार्मोन होती है वो होती क्या है? दोस्तों, HCG जो हार्मोन होती है वो ऑलरेडी महिला के बॉडी में होती है, लेकिन यह पता नहीं चलती है क्योंकि इस हार्मोन का जो सिक्रेशन होते हैं कम मात्रा में होते हैं और हम जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब महिला का पीरियड मिस होती है, 4 से 5 दिन 10 दिन मिस होती है, तो यह हार्मोन का जो सिक्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और हार्मोन का सिक्रेशन दिन पर दिन ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हम जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो उस यूरिन में HCG जो हार्मोन होती है उसी का रीडिंग करता है हमारा प्रेगनेंसी किट। अब रीडिंग के हिसाब से किसी किसी महिला में होती है जो HCG जो हार्मोन होती है वो कम रिलीज होती है, चूँकि पीरियड के 4-5 दिन बाद जब टेस्ट करते हैं तो उस समय कम हार्मोन रिलीज होते हैं तो कम बताते हैं। किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो वो नहीं बताते हैं, लेकिन किसी किसी महिला में कम दिन में टेस्ट कर लिए हों या उनके HCG हार्मोन कम सिक्रेशन हो रहे हों तो उस कंडीशन में एक लाइन हल्की गुलाबी और एक लाइन गहरी गुलाबी लाइनिंग होती है। अब इससे हम कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, यदि इस कंडीशन में आप MTP किट यानी अनवांटेड किट खाते हैं तो कंफ्यूजन बनी रहती है। इसी जगह पे आपको करना क्या है, कुछ दिन वेट करनी है, 4 से 5 दिन 6 दिन वेट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यूरिन जब टेस्ट करनी है, प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, तो पहला यूरिन सुबह का मॉर्निंग का पहला यूरिन आप टेस्ट करें और उस यूरिन में दोस्तों जो HCG हार्मोन जो होती है वो ज़्यादा होती है और आपको कन्फर्म पता चल जाएगी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं या नहीं किए हैं। यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं 4 से 5 दिन टेस्ट करने के बाद तो आप बेहिचक अनवांटेड किट किसी डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि यदि आपके प्रेगनेंसी किट में एक लाइन हल्की गुलाबी और एक लाइन गहरी गुलाबी आती है तो आपको अनवांटेड किट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बात दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।